नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में पति पत्नी के रिश्ते को तभी पूरा माना जाता है जब उनके परिवार का हिस्सा उनका अपना एक बच्चा होता है। एक लंबे समय के बाद भी अगर पति पत्नी के रिश्ते से बच्चा ना हो तो हमारा समाज उनके जिस्मानी रिश्ते में ही कमी ढूंढने लगता है और समाज के इस दबाव से पति पत्नी के रिश्ते में ही मनमुटाव शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे में ही कमी ढूंढने लगते हैं। लखनऊ निवासी रहमत अली और शबीना अली इसी सामाजिक दबाव के भंवर से गुजर रहे थे। दोनों की शादी के 5 साल गुजरने के बाद भी उनका अपना बच्चा ना होना उनके आपसी रिश्ते की खटास को और बढ़ा रहा था। मैंने तुमको बोला था ना कि हट जाओ यहाँ से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और तुम सब लोग भी बहुत नालायक हो, है ना? चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक? शान, हाँ भाभी जान, जरा मेरा फोन पकड़ाना, तुम्हारे भाईजान को फोन करना है, पता नहीं कहाँ रह गए। रॉक्स, भाभी जान का फोन देने चलना है, ठीक है? चलो चलते हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है काम के वक्त फोन मत किया करो, समझ में नहीं आती तुम्हें? जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप घर कब आएंगे। क्या करूंगा घर आके, तुम्हारा मनुष्य चेहरा देखूंगा मैं? मेरे काम में दखल अंदाजी देना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। ख्वाहिश पूरी हो, कैसे बताओ? वैसे कौन सा काम कर रहे हो अहमद मियां? कहो तो हम पूरा कर दें। हाँ, दिमाग खराब कर दिया इस जाहिल औरत। अपने आप से बहुत दुखी हुई यार। आप मेरी मोहब्बत है, मेरी आंखों में देखिए और बोलिए क्या प्रॉब्लम है, बताइए। अपने आप को फादर बनते हुए देखना चाहता हूं, अपने बच्चे को खिलाना चाहता हूं। 5 साल हो गए सबीना से शादी हो, बच्चा नहीं हुआ, ये मुराद मेरी पूरी नहीं हुई। जब ऑफिस के साथी पूछते हैं कब बाप बन रहा है, कब हमें
चाचा बनाएगा। साथ के लोग हैं यार, सब अपने अपने बच्चे को खिलाते हैं, उसके किस्से सुनाते। मैं कब तक फैमिली प्लानिंग के नाम पे झूठ बोलता रहूंगा? शांत हो जाइए, आपको बाप बनना है ना, मैं आपको आपका अपना बच्चा दूंगी। सच में रियाना? सच में, प्रॉमिस। कुछ करने तो देती नहीं, बच्चा दोगी तुम? झूठी। एक शर्त पे, निकाह कर लो, सब कुछ शादी के बाद पक्का। बच्चा ना होने के लिए रहमत अली अपनी पत्नी शबीना को ही जिम्मेदार मानता था और उसी में सारी कमी बताता था। अपना खुद का बच्चा पाने के पागलपन में रहमत अली ने अपनी ही एक कुलीग रेहाना नाम की लड़की के साथ अवैध संबंध बना लिए थे। क्या इस अवैध संबंध से रहमत अली को अपना बच्चा मिल पाएगा? और शबीना, जो अपने घर में अपने देवर शान, जो कि एक मेंटली चैलेंज युवा लड़का है, उसके साथ ज़्यादा समय बिताती है, वो अपने अकेलेपन को पत्नी की मर्यादा में कब तक रख पाएगी? क्या रेहाना रहमत के अपने खुद के बच्चे को पाने के पागलपन का कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब होगी? आइए देखते हैं। देख देख। अरे भाईजान आ गए, भाईजान आ गए, भाभी भाईजान आ गए, देखिए ना। क्यों शोर मचा रहा है? बैठ चुप जाओ। भाईजान गंदे हैं, है ना, डांटते हैं। शबीना बस करो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए रहमत, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। 5 साल से कर रहे हैं ना कोशिश, क्या हुआ, हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ ना, सो जाओ चुपके और सोने दो मुझे। इसमें सिर्फ मेरी गलती है क्या रहमत? हाँ तेरी गलती है। मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया था।
समझ में नहीं आती तुम्हें? बांझ हो तुम, बांझ माँ नहीं बन सकती। अरे तुमसे अच्छा तो सड़क वाली के पास सो जाओ ना, तो फ्रेश हो जाऊंगा मैं। तुम्हारा मनोज चेहरा देखना भी पसंद नहीं है मुझे। शादी के बाद पक्का। ठीक है मैडम, कल 11 बजे हम दोनों आ जाएंगे। शुक्रिया। अरे सुनिए, कल डॉक्टर मैडम का अपॉइंटमेंट मिला है 11 बजे का, हम दोनों को जाना है। डॉक्टर क्यों, मुझे क्यों जाना है? मतलब तुम्हें लगता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है रहमत, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मेरा बोलने का दिमाग सटक गया तुम्हारा? आपको चेकअप करवाने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है हम दोनों में से किसी को प्रॉब्लम हो, और ये भी हो सकता है कि चेकअप करवाने के बाद अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। प्लीज रहमत, हमारे लिए चलिए ना। अपने दिमाग का इलाज करो, और आज के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बात की ना, तो यहीं घर में तेरे दिमाग का इलाज कर दूंगा, वो भी जूते से, समझे? क्या हुआ, ये टेंशन में क्यों हो? रियाना, शादी करोगी मुझसे? हाँ, यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम्हारी उस बांझ बीवी, उसका क्या करोगे? अब तो 3 तलाक पे बैन हो गया। मुझे पता है, 3 तलाक पे कानून बन गया है। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, और हम एक ही घर में एक साथ रहेंगे। तुम क्या करने वाले हो रहमत? मेरे पास एक प्लान है, जिससे लोगों की नजर में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी, और हम एक घर में एक साथ रहेंगे। वही तो पूछ रहे, करने क्या वाले हो? मेरे छोटे भाई शान को तो जानते हो? उससे शादी कर लो। देखो, उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबीना को तलाक दिया ना, तो मुझे जेल हो सकती है, और तुम शान से शादी कर लोगे तो हम एक ही घर में रह सकते हैं। हम सबीना को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, यदि उसे कभी बाद में पता चला तो मैं संभालूंगा। आज तुमने मेरे मन की बात की है, शादी की बात की है, तो इनाम तो तुम्हारा बनता है। कौन सा इनाम मोहतरमा? जिंदगी का वो अहम हिस्सा होती है जिससे किसी की जिंदगी को सवारा भी जा सकता है और किसी की जिंदगी को बिगाड़ा भी जा सकता है। यहां रहमत अली की प्लानिंग 3 जिंदगियों का ताना बाना बिगाड़ने वाली थी। पहली उसकी पत्नी शबीना अली, दूसरी उसका अपना छोटा भाई शान, और तीसरी उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी। शबीना जो पहले से ही पति पत्नी के रिश्ते के उस नाजुक मोड़ पे खड़ी थी जहां कोई भी धोखा शबीना की जिंदगी तबाह कर सकता था, क्या वो रहमत अली के इस घिनौने प्लान को समझ पाएगी?
मैं तुम्हारा शौहर हूँ। गुस्सा कर दूंगा तो माफ नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुस्सा है। बस आप थोड़ा दिमाग ठंडा रखने की कोशिश कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, देखना। सबीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं शान की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शान भाई की शादी? आपको उनकी दिमाग की हालत तो पता है ना, कौन लड़की उनसे शादी करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका होने वाला शौहर दिमागी रूप से हल्का है। हाँ पता है मुझे, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, रेहाना, साथ में काम करती है, बहुत ही गरीब परिवार की है, उसके मामा हैं, गांव में रहते हैं। मेरी बात हुई उसके मामा से और रेहाना से, मैंने बताया ईशान के बारे में, उसकी दिमागी तकलीफ के बारे में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबीना, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उसका ख्याल रखे। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो जाएगी। शान भाई का घर बस जाए, उसी में तो मेरी भी खुशी है। मैं तो आपकी ये बात सुनकर खुश हुई है कि आपने शान भाई के लिए इतना अच्छा सोचा। सच में आप जल्द से जल्द शान भाई का निकाह पढ़वा दीजिए। थैंक यू। आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो कबूल है। कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? फिर से बोलो कबूल है। हाँ कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। आपको ये रिश्ता कबूल है? बोलो कबूल है। क्या रहमत अली और रेहाना शान के पागलपन को अपना मोहरा बनाकर अपने इस डर्टी प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या रेहाना अपने प्लान के तहत रहमत अली को ही मोहरा बनाकर शबीना को उसी के घर से बेघर करने में कामयाब होगी? तो मेरे दोस्त से मिलोगी? मिलाइए। ये देखो, ये मेरा दोस्त है रॉक्स, हमेशा मेरे पास होता है, और ना मेरे पास ढेर सारे खिलौने भी हैं। लेकिन आज तो आप मेरे साथ सोएंगे ना, तो आपके दोस्त को तो बाहर सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मेरे पास ही सोएगा, क्यों रॉक्स हैं? चलो हम लोग सोते हैं, ठीक है, गुड नाइट। कितना काम करेंगे आप? थोड़ा वक्त हमें भी दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ।
भाभी ये डब्बा है ना? हाँ यहाँ पे रख दो। कुछ हेल्प चाहिए? तुम वो सब छोड़ो, मैं कर लूंगी। तुम तो ये बताओ, कल रात को शान भाई ने ज्यादा दिक्कत तो नहीं दी? नहीं भाभी, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे होता है। अरे वाह, उन्हें पता है सब कैसे करना है, कमाल है। एक काम करो, जाओ ये पराठे लेकर जाओ, गरम है ध्यान से। हाँ। मैं तुम्हारा टिफिन लेकर आती हूँ। ठीक है। आएगा आएगा। आपको दो। हाँ, एक 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 हम लोग खाएंगे। आपको कितने दो? सब दे दो। हम शादीशुदा हैं, वो बात अलग है कि अभी तक सुहागरात नहीं मनाई। निकाह तुमसे शान ने नहीं, निकाह तो तुमसे हमने किया हरियाणा बेगम। और रही बात सुहागरात की, हम सुहाग डे मनाएंगे। अब तुम पर सिर्फ हमारा हक है। सच्चा दोस्त है ना, तो मुझे कभी धोखा तो नहीं देगा ना? ये देख, इसने मुझे धोखा दिया था, खो गया ये, समझा? धोखा मत देना मुझे, हम लोग फ्रेंड्स हैं, समझा ना? फ्रेंड्स, समझ गया? फ्रेंड्स कभी धोखा नहीं देते, ठीक है? भाईजान आ गए, भाभी, भाईजान आ गए। जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। खाना तो हम बाहर ही खा के आए हैं, सॉरी तुम्हें फोन नहीं कर पाया। तुम और शान खा लो। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। अरे रिहाना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई ऑफिस के लिए? भाभी मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आज दिन भर शान भाई के ऊपर प्यार बरसेगा? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द है। इसीलिए कहते हैं देवरानी जी, ज्यादा देर तक जागा मत करो, थोड़ा सो भी लिया करो। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा तुम जाके रेस्ट करो, जाओ। अरे रिहाना, नाश्ता भी कर लेना, ठीक है, फिर सोना। रेहाना जी। भाभी मैं घर का सामान लेने बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट के आऊंगी,
देखना शान भाई उठ जाए तो उन्हें खाना गर्म करके देना, ठीक है? हाँ रियाना, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे मेरी तबीयत को मारो गोली रहमत मियां। वो पुराने फिल्म का गाना सुना है? खेत गयल बाबा बाजार गयल माँ, अकेली हूँ घर माँ, तो आजा बाल माँ, समझे? अरे बताओ कि क्या कहना चाहती हो? भाभी बाजार गई है घर का सामान लेने और मेरे पति बेखबर सो रहे हैं, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा जी, आता हूँ। ठीक है, एक अर्जेंट काम आ गया है, कल मिलते हैं। ओके सर, नाइस टू मीट यू। कहीं नहीं जाएगी रियाना, कान खोल के सुन ले, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती, ये रियाना दे सकती है मुझे मेरा बच्चा। तुझे क्या लग रहा है ये सब बात से हो रहा है? ये सब तो बहुत पहले से हो रहा है। शान और रियाना की शादी भी मैंने प्लान की थी। तकलीफ हो रही है तुझे? दे दे तलाक, वरना मेरे और रेहाना के रिश्ते को एक्सेप्ट कर। क्या कमी है मुझ में रहमत, क्या कमी? बाहर जा तू। बाहर जा तू। इस रिश्ते को मानना पड़ेगा, समझ गई? चल जा यहां से, जा चल। Thank you.
भाभी आज से रहमत के लिए खाना मैं बनाऊंगी, आप सिर्फ शान का ख्याल रखिए। मेरा शौहर तो छीन लिया तूने मुझसे, अब मेरा हक भी छीनेगी? जा मेरे किचन से, छोड़ी से जा। क्यों? सही बोल रही है, आज से इसी का मुझ पर, और आज से जो रियाना कहेगी वही होगा इस घर में। चलो जाओ। क्या बना रही हो जान? आपकी फेवरेट सब्जी। सच में? यहाँ से बाहर निकल जाए, ये मेरा कमरा है और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। आपका कमरा? ये आपका कमरा था, अब ये मेरा कमरा है। आप जाके हॉल में सोइए, समझी? बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मेरा कमरा है ये, ये मेरा कमरा, छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आती तुझे? सही कह रही है, ये कमरा भी इसका है और मैं भी इसका हूँ। ये अपनी मनोसूरत लेके निकल भाई। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये मेरा कमरा है, वही यहाँ से बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी यहाँ से बाहर, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से बाहर। बाहर निकल। क्या होता है जब शबीना को रहमत अली और रेहाना की इस प्लानिंग के बारे में पता चलता है? क्या वो इन दोनों के इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? आइए देखते हैं कि ये पागलपन की कहानी किस ओर करवट लेती है। भाभी जान, क्या हुआ भाभी जान? आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना भाभी जान, आप रो क्यों रही हैं? ये देखो, ये तो खून है। आपके भाई और रियाना ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की। मैं इस चाकू से, शान भाई, रहमत और रियाना आपको और मुझे, हम दोनों को इस चाकू से मार देंगे। देखो, इससे वो मार देंगे हम दोनों को। इससे पहले वो आपको मारे, आपको अपनी जान बचानी होगी। वो मुझे क्यों मारेंगे भाभी जान? ये देखो शान भाई, आपके रॉक्सी को मार दिया उन्होंने। मैं क्या करूं भाभी, बताइए ना। खोपते आपको बचाना होगा, नहीं तो वो हम दोनों को मार देंगे। भाभी बताइए ना, क्या करूं मैं? भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं आपके साथ, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। वो हम दोनों को मार देंगे। क्या?
हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे पागल देवर ने मेरे शौहर और मेरी देवरानी का कत्ल कर दिया है। जी, जिंदगी में बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। डर और तिरस्कार किसी को भी उस हद तक ले जा सकता है जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। शबीना चाहती तो अपना खोया हुआ घर और अपने पति को वापस पाने के लिए ऐसा भयानक गुनाह करने की बजाय कानून का सहारा ले सकती थी, लेकिन शबीना को इस बात का डर हो चला था कि उसका पति रहमत अली उसे कभी भी तलाक देकर उसके अपने ही घर से उसे बेघर कर सकता है। अपने इस डर को खत्म करने के लिए शबीना ने अपने देवर शान का इस्तेमाल किया। शबीना ने शान को ये डर दिखाया और यकीन दिलाया कि उसका बड़ा भाई रहमत अली और उसकी खुद की पत्नी रेहाना उसी की जान के प्यासे हैं, और शान के इसी डर ने उसे उन दोनों को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। क्या रेहाना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अवैध संबंध बनाकर उससे शादी के लालच में किसी का बसा बसाया परिवार उजाड़ देना सही था? यही सब बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी भी इंसान का अधिक लालच या फिर उसका अधिक डर उसे उस पागलपन तक ले जा सकता है जहां वो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचता नहीं। हमें इसी डर, लालच और पागलपन को समझकर उससे बचना होगा। आपसे जल्द मिलेंगे गुनाह के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।